सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमार्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं फिर लोग करें तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, एक वैसे बात बता रहा हूं, ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिंस हैं, जो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग। सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले।